हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज हम बनाने वाले हैं प्याज के पकौड़े। प्याजी, जी हाँ, सही सुना आपने। सबको पसंद है ये। इसको पहले हम प्याज को अच्छे से कटिंग करेंगे, जो इसके जड़ है उसको कटिंग करके हटाएंगे, ताकि जो मिट्टी है उसकी वो हट जाए। और फिर इसको हम धो देंगे, इसको हाफ ऑफ करके धोना, ताकि ये अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाए, मिट्टी ना रहे खाने में। ये कटिंग करने के बाद ये ऐसे दिखेगा। फिर इसके अंदर हम सूजी डालेंगे। सूजी हम ग्लास में करके डालेंगे, इसलिए कि चालने में इसको इजी रहेगी। तो इसको पहले हम चलनी में लेंगे और फिर चलनी से इसको टच करके फिर इसको पलटेंगे कि नीचे ना गिर जाए। और फिर इसको हम ग्लास को पकड़ के मूव करेंगे, तो ऐसे मूव करेंगे डायरेक्ट नीचे जाके गिरेगा, इधर उधर नहीं फैलेगा। तो ऐसे ही हम बेसन को भी चालेंगे उसको ग्लास में डालकर, ताकि ये भी इधर उधर ना गिरे, डायरेक्ट जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाए। ये मेरी ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक करें, एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। देखो कितने अच्छी तरीके से हो गया ना, ना बाहर गया ना उधर गया, डायरेक्ट जहाँ जाना था इसको वहीं पे ही गया है। ये ट्रिक अच्छी है ना, तो आप इसको फॉलो करें। इसको चालने के बाद फिर हम लोग इसके अंदर प्याज, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को अच्छी तरीके से हाथों में रफ करके ही डालें, इससे थोड़ी खुशबू आती है और टेस्ट में भी फ़र्क आता है। फिर इसके अंदर हम हींग डालेंगे, हींग से ये होता है, उससे हींग से टेस्ट आता है। और वह फिर हल्दी डालेंगे हम, फिर नमक डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार डालें सब चीज़, क्योंकि सबके घर में अलग अलग चम्मच होता है। तो ये सब डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा सूखा सूखा सा है तो पानी डाल लें, सूखा सूखा सा ना हो तो ना डालें, और हल्का सा डालें ताकि वो गीला सा हो जाए। फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करें जब तक वो हाफ ना हो जाए। तो ये हाफ हो गया तो समझ जाइए कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। जो फर्स्ट टाइम यूज़ बनाने जा रहे हैं उनके लिए गुड लक, फॉलो करो, बहुत इजी है। दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ये सब चीज़ें, पर करने लगो तो बहुत इजी लगता है। और जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो लोग सूजी वाला ट्रिक आजमा के देखें कितना क्रिस्पी बनेगा ये। इसको अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। रेस्ट मतलब कि थोड़ी देर इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। फिर 5 मिनट होने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। आप चम्मच से करें या हाथ से करें, जिससे कंफर्टेबल हो। फिर तेल गर्म हो जाए तो जब ही डालें, तेल बहुत अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। तेल गर्म हो गया नहीं हुआ चेक करने के लिए आप इसके अंदर कुछ वो थोड़ा सा डाल दीजिए। फिर उसके बाद ये जब ऊपर आ जाएगा तो समझ लिया आपका हो गया, और नहीं आया तो नहीं हुआ। तो अच्छे फिर हाथ से डालें या चम्मच से डालें, जिसमें कंफर्टेबल हो। प्लीज़ ध्यान दें कि आपके हाथ अच्छे से धुले हो, तो अच्छे से धुले हो ना, आपके हाथों के विटामिन इसमें चली जाएगी। फिर इसे ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसको पलट देना, फिर दूसरी बार में निकाल देना। अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगा तो ये पक जाएगा अच्छी तरीके से। इसको जला मत देना, जब ये ब्राउन हो जाएगा तो निकालना। जैसे कि मेरा अब हो रहा है। मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें। यह हमारी रेडी हो चुका है, अब हमारा सर्व करने का टाइम आया। तो हम इसको सर्व करेंगे, प्लेट लेंगे, प्लेट में सॉस डालेंगे, केचप डालेंगे, पकौड़े सर्व करेंगे। और हाँ, पकौड़े के साथ चाय देना बिल्कुल ना भूलें, वरना आप चाय देना भूल जाएंगे तो कहेंगे हाँ तो चाय
थोड़ा चाय मिल जाता तो मज़ा आ जाता। अपने इन शुभ हाथों से लाइक करें, कमेंट करें।